लाडी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक यूनिक चिकन रेसिपी बताना चाह रही हूँ, जो कि मैं दही लेमन चिकन बना रही हूँ। तो बहुत इजी है, जो 20 से आधे घंटे में बनकर तैयार हो जाती है। आप डिनर में, लंच में और पार्टी में किसी टाइम भी आप बना सकते हैं। उसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए ये इस प्रकार। ये देखिए, मैंने 1 किलो चिकन लिया, इसको धो के अच्छी तरह से 3-4 बार रनिंग वाटर में रख लिया। इसके अलावा मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो उसमें एक हरी मिर्च डाली है, और नींबू का रस डाल के मैंने मिक्सी में इसको पीस लिया, 1 नींबू का रस, और 1 नींबू का रस मैंने वैसे लिया हुआ है। 2 नींबू डलेंगे इसमें, 2 नींबू के रस डलेंगे, 1 कटोरी दही डलेगा लगभग 200 ग्राम के लगभग। इसके अलावा नमक, लाल मिर्च, देगी मिर्च, चिकन मसाला और कसूरी मेथी और काली मिर्च डालेंगे हम इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ये 2 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसमें नींबू भी डाला हुआ है, और 1 नींबू का जूस, और ये 200 ग्राम के लगभग दही है वो भी डाल देंगे, और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें छोटा वाला नमक, जायका अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे 1 छोटा चम्मच के लगभग। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च के साथ और नींबू के जूस के साथ, 1 नींबू का जूस वैसे डाल दिया, नमक और काली मिर्च डाल दिया और दही डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके लगभग 20 मिनट के लिए रखेंगे, और ये इसको ज़्यादा मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें ये बहुत जल्दी बन जाता है। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए रख रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे का प्रोसीजर। 20 मिनट हो गया हमारे को चिकन को मैरिनेट करके रखने रखा था, जो अब ये तैयार है। तो ये देखिए, इसमें हमने डाला 2 टेबल स्पून के लगभग 1 किलो चिकन में अदरक लहसुन और 2 नींबू का जूस और 1 हरी मिर्च और 200 ग्राम के लगभग दही और नमक और काली मिर्च। अब हम क्या करेंगे, गैस ऑन करते हैं पहले। सबसे हम इसमें सबसे पहले थोड़ा सा बटर डालेंगे, और इसमें तेल डालेंगे लगभग 2 टेबल स्पून के लगभग तेल डालेंगे। मैं तेल और बटर जब पिघल जाएगा तो हम ये सारा चिकन इसमें डाल देंगे। ये बहुत जल्दी बन जाता है, आपको ज़्यादा लंबे समय इसको मैरिनेट करने की जरूरत नहीं है, और बड़ा टेस्टी बनता है। अब हम इसमें ये जो चिकन है मैरिनेटेड चिकन इसमें डाल देंगे। ये देखिए, मैंने सारे चिकन डाल दिया मैरिनेटेड। इसमें पानी जो अपना छोड़ेगा, जो दही का पानी है, नींबू का रस है, इसको लगभग 10 मिनट लगेंगे इसको सूखने में। तो हम क्या करेंगे, आधा ढक्कन दे के इसको पकने के लिए रख देते हैं। इसके बीच में आपको बता रही हूँ मसाला इसके लिए हम क्या क्या बनाएंगे। इसके लिए मैं जो हम मसाला बाद में बनाएंगे उसकी ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हम लेंगे। ये देखिए, 1 मैंने छोटा प्याज लिया जो मैंने बारीक काट लिया, और 1 इसमें 1 टमाटर ही डालेंगे। अगर टमाटर ना डालना चाहे तो आप टमाटर प्यूरी भी डाल सकते हैं, मैं टमाटर प्यूरी का यूज़ करूँगी। और ये थोड़ा सा 1 छोटा चम्मच लहसुन चॉप्ड है, 1 छोटा चम्मच अदरक चॉप्ड, 1 हरी मिर्च और हरी धनिया, और हमें चाहिए देगी लाल मिर्च और चिकन मसाला थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा तेल और थोड़ी सी काली मिर्च अगर ऊपर आप डालना चाहें तो। तो अब ये जब हो जाता है फिर मैं आपको मसाला बनाना इसका बताऊंगा। ये देखिए, सारा चिकन मैंने निकाल लिया जो मैरिनेट था, वो उसका पानी सुखा के इसको ऐसा चाहिए, देखिए ये बन गया। अब जो तेल बचा है मैं उसी में सबसे पहले ये 1 प्याज छोटा वो काट के रखा था वो डाल देते हैं।
और साथ में ये एक छोटा चम्मच लहसुन है चॉप, और ये अदरक है, एक हरी मिर्च है, ये भी डाल देते हैं। मसाले सारे हमने इसमें डाले थे और कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ हम इसमें चिकन मसाला और थोड़ी सी देगी मिर्च डालेंगे। तो थोड़े भुन जाए तो फिर मैं आपको बताऊँ। ये देखिए हमारे प्याज थोड़े थोड़े लाल हो गए, अगर आप चाहें तो एक टमाटर इसमें इतने साइज का डाल सकते हैं। तो मैं अब इसमें एक प्यूरी डालूंगी, इसमें लगभग दो बड़े चम्मच की प्यूरी, इसको मिक्स कर लेंगे। नमक आप टेस्ट करके इसमें डाल सकते हैं, हमने पहले भी नमक डाला था, अगर कम हो तो आप डाल सकते हैं इसमें। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच के लगभग, ये हमारा चिकन मसाला है, किसी कंपनी का आप ले सकते हैं। थोड़ी सी ये देगी मिर्च आधा छोटा चम्मच के लगभग, ये देखिए हमारा मसाला बन गया। हमें तेल ज़्यादा नहीं डाला, जो पहले डाला था वही तेल डाला हमने। अब इसको एक दो मिनट भून लेते हैं फिर आप देखिए। मैंने लहसुन प्याज अदरक डाल दिया और टमाटर प्यूरी डाल दिया और इसमें चिकन मसाला और ये हमने थोड़ी सी देगी मिर्च डाली, आप कलर देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा है। जो हमने चिकन वो करा था, हमने मैरिनेट करके इसको भुना था, वो हम इसमें डाल देंगे। तो इसको लगभग 5 मिनट तक ऐसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से तेज आंच करके, और इसमें थोड़ी सी हम कसूरी मेथी डाल देंगे। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इसमें आप पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, आप रोटी परांठे पूरी के साथ किसी के साथ राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। हम थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, मैं ग्रेवी वाला बना रही हूँ थोड़ा सा। इसको ढककर लगभग 5 से 10 मिनट तक पकाते हैं दम पे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट हो गए, मैंने इसको ढक के पका लिया दम पे, आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर कितना अच्छा है। ये सिर्फ प्यूरी और देगी मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च से आता है, अगर आपके पास रेडीमेड प्यूरी ना हो तो 2 टमाटर की प्यूरी मिक्सी में बना के और देगी मिर्च डाल के बनाएंगे तो बहुत अच्छा कलर आएगा आपके चिकन में। ये हमारा लेमन चिकन मेरे ओरिजिन तैयार है, और अब हम इसको नान या तंदूरी रोटी या परांठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब इस स्टेज में हम थोड़ा सा नमक इसमें और डाल देते हैं, पहले हमने एक छोटा चम्मच डाला था और आप आधा छोटे चम्मच और डाल देते हैं। ये हमारी बनकर तैयार है, आधा घंटा लगता है पूरा इसको बनने में। और आप ग्रेवी अगर ज़्यादा रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये हमारे चिकन भी गल गया, पहले गल गया था 10 मिनट हो गया, इतना चिकन हो गया तो गल गया। अब इसको गैस हम बंद करते हैं, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए मैंने डिश आउट कर दिया, अब हम इसको थोड़ा सा हरे धनिया से गार्निश कर देते हैं। आप बनाइए और मुझे लिख के बताइए आपको कैसा लगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बना के जरूर देखिएगा, बड़ा इजी, और दही और ब्लैक पेपर चिकन बनकर तैयार है और बहुत आसान है, आधे घंटे में बन जाता है। अगर आप चाहें तो ऊपर से काली मिर्च भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये प्लीज़ बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। धन्यवाद।